हल्द्वानी पुलिस ने देर रात पंचक्की चौराहे पर हुए गोलीकांड का खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि देर रात पंचक्की चौराहे के एक कैफे में चंपावत के रहने वाले विशन सिंह को कैफे स्वामी द्वारा अवैध पिस्तौल से गोली मार दी गई, जिससे विशन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बरेली अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने गोली मारने वाले कैफे के स्वामी संजय विस्ट और दीपक विस्ट को अवैध पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जिस पे आपका इनके भाई बिक्रम सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई कि उसके भाई बिशन सिंह, जिसका AM to PM बेकरी है, उसके यहाँ दीपक बिस्ट, आपका दीपक और संजू बिस्ट बैठे हुए थे इनके साथ में, और कुछ और युवक थे। इनकी आपस में कहासुनी हुई। इसमें दीपक द्वारा लाए गए अवैध पिस्टल से संजू बिस्ट ने फायर किया, जिससे इनके भाई बिशन सिंह सीरियस इंजर्ड हो गए। इस पर 307 का मुकदमा कायम किया गया। पुलिस द्वारा तत्परता से बिशन को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिन्हें राम मूर्ति अस्पताल रेफर किया गया।